हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली हम ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। काफी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है। लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें थ्योरम्स हैं और उसका प्रूफ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ थ्योरम्स आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन ध्यान से लेक्चर्स को देखिए, समझिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, उस तरीके से कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद आप उन थ्योरम्स, अगर फिर भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे आप फिर से दोबारा अपने बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स मतलब सीधा थ्योरम्स को फिर से बार बार, जितने बार आप थ्योरम्स को प्रूफ करके देखेंगे, उससे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप बेसिक्स पे फिर से जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब एक दो बार चीजें सोल्व कर लोगे, तो आपसे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरम्स ही काफी टाइम ले रही हैं और क्रैश कोर्स में थ्योरम्स के अलावा ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। क्वेश्चंस के लिए का आगे की कुछ चीजें मैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अब हम अपनी थ्योरम जो अभी 6.5 तक हमने कर ली थी, थ्योरम हमारी होगी 6.6, ठीक है। तो 6.6 थ्योरम में क्या है? बेसिकली हमें कुछ जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैं आपको रीड कर देता हूँ, उसका प्रूफ देखने वाले हैं हम बहुत अच्छे से कि वो प्रूफ क्या क्या है। तो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर स्टेटमेंट लिख दूंगा और उसके बाद प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम हमारी 6.6 क्या कहती है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। मतलब साफ ये बोला गया है कि जो रेशियो होगा एरियाज, दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो होगा, वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? जो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके इक्वल। तो पहले गिवन क्या है कि स्टेटमेंट में कि सिमिलर ट्राइंगल है, और उसके बाद एरियाज और रेशियो को इक्वल करना है, ठीक है। चलो तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। थ्योरम कौन सी है? 6.6, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ देयर रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, ठीक है। तो ये चीज हमें बेसिकली दी हुई है। तो इस चीज में अगर मैं प्रूफ की बात करूं, प्रूफ की तरफ चलते हैं। चलो प्रूफ क्या करना है मेरे को, गिवन क्या है? तो जैसे मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये, ठीक है, ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल मैं मान रहा हूं, तो क्या मानूंगा? ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास थ्योरम के लिए? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है।
अगर सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो क्या होगा, जो हम पहले वाली थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं कि इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं यहीं पे एक चीज और साथ में दी हुई है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर। ये चीज मेरे को साथ में दी हुई है, सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है तो ठीक है। अब बात आती है प्रूफ की, कि प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल तो दिए हुए हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल बोला हुआ है, और प्रूफ क्या करना है कि एरियाज की बात करने के लिए रेशियो, रेशियो क्या होगा, स्क्वेयर। अब मैं एरिया बात करता हूं, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, या फिर किसकी और किसके इक्वल होगा, एसी अपॉन पी आर का होल स्क्वेयर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं, तो एक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, एक मैं परपेंडिकुलर मैंने ये डाला, परपेंडिकुलर का नाम ये एम है, ये एन है, ठीक है, ए एन और पी एम जो परपेंडिकुलर मैंने डाले हैं, ठीक है। प्रूफ मेरे को ये करना है, गिवन मेरे पास ये है, और अब सोल्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो तो सोल्व करने के लिए क्या करूं मैं, ये जो पहली चीज ये है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ट्राइंगल, अब आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी एन एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करता हूं तो कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तो मैं सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूंगा। इनको सिमिलर किस तरीके से होंगे भाई, एंगल 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 सिमिलरिटी से हो सकता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हो सकता है, साइड 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 सिमिलरिटी से हो, ये सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। तो आप देखते हैं कि किससे प्रूव होगा, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, ठीक है। ये क्यों है, ये वाला 90 डिग्री है, तो इस वजह से ये, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देख पा रहे हैं, दिस इसलिए सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी एन इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, सिमिलर हो गया। अब ये चीज होगी सिमिलर, तो सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या फंडा है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या चीज देते हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स मेरे को एक चीज देते हैं कि जो भी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स अगर इसमें बात करें तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं पी एम अपॉन या फिर ए एन अपॉन ए एन अपॉन पी एम, और इसमें बात करें यहां पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90, तो बी एन अपॉन बी एन अपॉन क्यू एन, ठीक है, ये रिजल्ट मिला मेरे को, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन, गिवन क्या है मेरे को सिमिलरिटी से, ये दूसरी इक्वेशन। तो यहां पे एक चीज देख पा रहे होंगे, ए बी अपॉन ए पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन, और अगर बात करें यहां पे ए सी अपॉन पी आर और ए एन अपॉन पी एम, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर और बी एन अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये चीज अगर ये दोनों इसके इक्वल है तो ये सब चीजें इसके इक्वल होंगी, ठीक है। अब मेरे को प्रूव करना है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, ठीक है। अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए एन इंटू बी सी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो हाफ इंटू पी एम इंटू बेस क्या है क्यू आर, ठीक है। चलो अब ये चीज तो क्लियर हो गई, अब यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया, ए एन अपॉन पी एम इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, ए एन अपॉन पी एम, ठीक है। अब यहां से एक चीज साफ साफ दिख रही है, साफ साफ क्या दिख रहा है कि अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो अगर बात करते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए एन अपॉन पी एम, तो ए एन अपॉन पी एम की जगह में क्या, यहां पे देखिए, यहां पे मैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया, थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा यहां पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन पी एम की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू, तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। दूसरा अब बी सी अपॉन क्यू आर की बात करें तो बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के, तो इसकी जगह भी मैंने ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी का स्क्वेयर और पी क्यू का स्क्वेयर, ठीक है। तो जो प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो इक्वल होगा देयर स्क्वेयर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया ये स्क्वेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी और पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली हम अगर और इन्हीं रिजल्ट का यूज करते हुए अगर मैं जाऊं ए सी अपॉन पी आर की रिजल्ट आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का रिजल्ट आ जाएगा, तो इन्हीं तीनों का यूज करके, इन्हीं तीनों इक्वेशन का यूज करके हम आगे प्रूव कर सकते हैं। तो हेंस मैं बोल सकता हूं एरिया ए बी सी एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वेयर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वेयर। तो ये रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था, ये वाला रिजल्ट, तो मैंने बहुत, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा, ये गिवन सिमिलरिटी का है, ये मैंने एरिया का यूज किया है
और मैंने दो ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन के हैं उसके तीन चीजों का मैंने यूज करते हुए इसको आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम थ्योरम 6.7। ठीक है, थ्योरम 6.7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब थ्योरम हम बात करने वाले हैं थ्योरम 6.7। ठीक है, तो 6.7 की बात करेंगे। ठीक है, तो 6.7 में क्या है, बेसिकली मैं स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू देते देता हूं आपको कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल भी है और उसी के कोने से वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे दोनों साइड, वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और उनका जो एक पूरा जो ट्राइंगल होगा उसको भी इक्वल होंगे, मतलब वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं अभी बता देता हूं आपको क्या है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ देयर परपेंडिकुलर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर। ठीक है, खुद के भी जो सिमिलर जो ट्राइंगल्स बनेंगे हाइपोटेनस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालने से, तो वो एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होंगे। तो चलो मैं स्टेटमेंट को एक बार लिख देता हूं। 6.7 स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की स्पेलिंग ना लिखते हुए ये सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ ए परपेंडिकुलर इज drawn from the vertex of the right मीन्स 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स, देन द ट्राइंगल्स on the both side triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also similar to each other, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होंगे और जो छोटे दो ट्राइंगल बनेंगे वो भी सिमिलर होंगे।
तो अभी मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मान लो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल बोला है ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल को ही बोला है। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इसको क्या बोल सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये साफ साफ यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, और इस कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो यहां पे प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ये बना है, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एबीडी, एबीडी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एबीसी, होल ट्रायंगल के, ठीक है। दूसरा, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एंड आल्सो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल सिमिलर टू द, मतलब इन दोनों के सिमिलर तो हो गया एबीसी के, और ट्रायंगल एबीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। तो ये तीन चीजें मेरे को प्रूफ करनी है इसमें। तो एक सिंपल सा मेथड है कि यहां पे जो लगने वाला है वो मेथड क्या है कि जो एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, वो बहुत आसानी से लगेगी और उसी से ये सारे प्रूफ होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम चलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी की तरफ, ठीक है। तो पहला है, मैं ये ले लेता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं, बहुत इजी को है, कोई डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी ये है, ठीक है। तो यहां पे एबीसी एंगल कितना क्या बन रहा है, 90, तो एंगल 20 लिख दूं मैं इसको, और एबीडी, ट्राइंगल एबीडी को ध्यान से देखिए, एबीडी, डी क्या है एंगल, डी भी 90 है, तो बी और डी इक्वल हो गए क्योंकि 90 है, ठीक है। अब बात करते हैं एबीसी और एबीडी, तो एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल ए एबीसी में भी कॉमन है और एबीडी में भी कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। सो एक चीज यहां पे एक और सामने आती है कि जो बचा हुआ एंगल है, बचा हुआ एंगल कौन सा है, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बचा हुआ एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, तो बाई ए एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, सिमिलर हो गया। तो कहानी को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि पहली कहानी हमारी जो थी वो यहां पे खत्म हो गई, कहानी अब दूसरी सिमिलरिटी की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो दूसरी सिमिलरिटी की क्या है, ट्राइंगल को आप ध्यान से कौन सा देखना, बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली कहानी यहां पे समाप्त होगी। तो ट्राइंगल किसको देखना है, ट्राइंगल बी डी सी, ध्यान से देखिए बी डी सी, अब इसमें 90 एंगल कौन सा है, डी वाला, तो इसको मैं डी बोल दूं, इस साइड वाला बी डी सी, बी एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ठीक है। और यहां पे 90 ए बी सी के साथ 90 बी, एंगल बी,
एंगल बी, ठीक है, या फिर इसको पूरा लिखें तो ए बी सी एंगल, ठीक है, ये हो गया 90। कॉमन की बात करें, कॉमन कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल क्या है, सी एंगल सी, तो बाई एंगल सिमिलरिटी बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी सी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो कहानी दूसरी भी खत्म हो गई है यहां पे, अब कहानी तीसरी की तरफ चलते हैं, ठीक है, तीसरी सिमिलरिटी। तो एक चीज जो मेरे को यहां पे रिजल्ट निकल के आता है कि सी एंगल कॉमन है, ठीक है, और डी और बी इक्वल है, तो बच गया जो एंगल है वो इक्वल होगा, ठीक है, तो बचा हुआ एंगल इक्वल होगा, तो बचा हुआ कर सी, और ये मैंने यहां पे यूज कौन सा कर लिया, बी वाला भी यूज कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे कौन सा एंगल जो बचा हुआ वो भी इक्वल होगा दूसरे के, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। एक चीज आप यहां पे देखें, ये एंगल 90 है, बी डी सी ये एंगल भी, ठीक है, तो 90 वाला एंगल मैं बोल दूं ए डी बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, क्योंकि 90 है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, अब बात करते हैं कि अगली सिमिलरिटी के लिए क्या होगा। हमने देखा था कि जो बचे हुए एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो अगर इसमें देखें तो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल जे, ये वाला और एंगल ये, ठीक है, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड इक्वल होंगे। यहां से मेरे को एक रिजल्ट पता चला था कि बचा हुआ एंगल ये वाला था इसमें, और इसमें बचा हुआ एंगल ये था, तो एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड आर इक्वल, ठीक है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू द ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। ये तीनों प्रूफ मैंने, ये वाला प्रूफ यहां पे कर दिया, ये वाला यहां पे, और थर्ड वाला यहां पे, ठीक है। तो कहानी इसकी सिमिलरिटी वाली, कुछ और कहानियां देखेंगे अभी साथ में, तो चलो अगली कहानी पे चलते हैं, कहानी थ्योरम 6.8 की तरफ। अब बात करते हैं थ्योरम 6.8 की। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे थ्योरम 6.8 की, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो चीजों को पसंद आ रही होंगी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।